आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परफेक्ट लाल लोबिया की चाट, रेड बीन सैलेड या किडनी बीन सैलेड भी इसको बोलते हैं। ये किस तरह परफेक्ट बनेगी, ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होंगे, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। वैसे भी रेड बीन सैलेड बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली सैलेड में से एक है। ये खाने में टेस्टी, हेल्थी और वेट लूज सैलेड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ, शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर किया करें। यहाँ हमने ली है लाल लोबिया 250 ग्राम, इसको हमने बॉयल कर लिया है। उसके बाद चने 100 ग्राम, इनको भी बॉयल कर लिया था। आलू 100 ग्राम, इसको भी बॉयल कर लिया है। एप्पल 2 एप्पल, इनको हाफ मून स्लाइस में कट कर लिया था। अनार 1 अदद लेकर उसको छील के दाने निकाल लिए। 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। हरी मिर्च 3 अदद बारीक कट की हुई। खीरा हाफ खीरा लिया, उसको बारीक मून स्लाइस में कट कर लिया। उसके बाद धनिया हमने थोड़ा सा धनिया लेकर इसको भी बारीक चॉप कर लिया। इमली का पल्प 1/2 कप, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, 1 टेबलस्पून, मिक्स हर्ब 1/2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, ब्लैक साल्ट 1/2 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। चलें जी अब इन सबको कर लेते हैं मिक्स। प्लेटर के अंदर या खुले बर्तन के अंदर इन सामान को करेंगे हम मिक्स। सबसे पहले लोबिया को इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे आलू, सेब, बॉइल्ड चने। अब शामिल करेंगे वेजिस, सबसे पहले टमाटर, खीरा, हरी मिर्च। अब शामिल करेंगे इमली की पल्प। अब इन सबको स्पैटुला की मदद से करेंगे अच्छे से मिक्स। शामिल करेंगे अनार, होममेड चाट मसाला, काला नमक। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज 1 अदद, इसको बारीक स्लाइस में काट लेनी है। प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में काट के इस तरह इनके स्लाइस अलग करने हैं और फिर शामिल करने हैं। प्याज मीडियम साइज की लेनी है, इसको मिक्स कर देंगे और आप अपने हिसाब से मिक्स कीजिएगा, जितनी आपको चाट में पसंद है उतनी इसमें शामिल कर लें। अब हम बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। सबसे पहले लिया है हमने ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक 1 टेबलस्पून, मिक्स हर्ब 1/2 टीस्पून। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। शामिल कर देंगे ड्रेसिंग जो हमने तैयार की है और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे। अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो चिली गार्लिक। जी तो नाज़रीन, हमारी लाल लोबिया चटखारेदार चाट तैयार है। आप भी इसको बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, दोस्त अहबाब को, मेहमान के लिए। ये स्पेशली रमज़ान की स्पेशल चाट है। बाकी चाट्स को एक साइड पे करके इसको अपने मेन्यू में शामिल करें, अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा इसके साथ साथ ये वेट लूज़ के लिए भी सबसे बेस्ट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
और कमेंट्स की सूरत में हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।